अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में ईसाई बरादरी ने क्रिसमस त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया। गिरजाघरों में खुसूसी दुआया इज्तिमात। ईसा मसीह की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए मोहब्बत और उख़वत के पयाम को फैलाया जाना चाहिए। गवर्नर और वज़ीर आला तेलंगाना ने क्रिसमस त्यौहार की आवाम को दी मुबारकबाद। बीजेपी की जानिब से अराकीन असम्बली खरीदने के घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर ईडी की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। बीआरएस रुकनी असम्बली रोहित रेड्डी का बयान। रियासत के किसानों के तय अपने हठधर्म रवैये को छुपाने के लिए तेलंगाना हुकूमत मरकज को मुखालिफ किसान हुकूमत बता रही है। रियासती बीजेपी तर्जुमान ने किया दावा। क्रिसमस त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाने वाली तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत। रियासती वजीर हरीश राव का बयान। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में रिवायती जोश व खरोश के साथ क्रिसमस त्यौहार ईसाई बरादरी ने मनाया, जबकि कई गिरजाघरों में खुसूसी दुआया इज्तिमात का भी अहतमाम किया गया। ईसाई ब्रादर्स की बड़ी तादाद एबिट्स, गन फाउंड्री, सिकंदराबाद व दीगर मुकामात पर वाक़ गिरजाघर पहुंची, जहां उन्होंने खुसूसी दुआया इज्तिमा में शिरकत की और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। वाज़ह रहे कि दुनिया भर में ईसाई बरादरी ईसा मसीह की योम पैदाइश के तौर पर 25 दिसंबर को क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं और उस दिन खुसूसी दुआया इज्तिमात का अहतमाम भी किया जाता है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिल साई सुंदरराजन ने रियासत की आवाम बिलखसूस ईसाई बरादरी को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने मुबारकबादी पयाम में कहा कि क्रिसमस खुशी और मसरत का मौका है और ईसा मसीह की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करने का अहम वक्त है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में क्रिसमस के मौके पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, जिस बात का मजहर है कि ईसा मसीह ने हमेशा ही से मोहब्बत और उख़वत की तालीम दी है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने क्रिसमस त्यौहार के मौके पर ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला केसीआर ने अपने मुबारकबादी पयाम में कहा है कि ईसा मसीह की तालीमात अमन, भाईचारा, सब्र व इस्तिक्लाल और एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है और इसी पयाम को आज आम करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मस्कुरा त्यौहार रियासत की आवाम की ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखेरेगा। वाज़ह रहे कि 2 दिन कबल ही वज़ीर आला ने क्रिसमस की मुनासिबत से एलवी स्टेडियम में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की थी और मुस्तहिक खानदानों में हुकूमत की जानिब से हर साल दिए जाने वाले तहाइफ भी तकसीम किए थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने भी क्रिसमस त्यौहार के मौके पर आज सुबह सिकंदराबाद के चर्च में दुआया इज्तिमा में शिरकत की और लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। वाज़ह रहे कि क्रिसमस के मौके पर हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ चर्चों में मुनक्किद दुआया इज्तिमा में ईसाई बरादरी के अफराद ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। बीआरएस रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईडी की जानिब से उन्हें और उनके अफराद ख़ानदान को हिरासा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए पायलट रोहित रेड्डी व रुकन असम्बली ने बताया कि बीजेपी की जानिब से अराकीन असम्बली को ख़रीदने की घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर उन्हें और उनके अफराद ख़ानदान को हिरासा किया जा रहा है। ईडी से समन हासिल होने पर उन्होंने हाजिरी दी, लेकिन पहले दिन उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि आखिर किस केस में उनसे पूछताछ
पूछताछ की जा रही है। ताहम दूसरे दिन उन्हें बताया गया कि शिकायत कुनिंदा होने की वजह से उनसे पूछताछ की जा रही है, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि इस केस के मुलजिम नंद कुमार के बयान के जरिए उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। ईडी द्वारा मरी నాకు నోటీసులు పంపించి ఈ రోజు నేను ఫిర్యాదుదారు అయినప్పటికీ కూడా నేను కంప్లైంట్ అయినప్పటికీ కూడా మరి నాకు నోటీసులు పంపించి ఆ నోటీసులో ఏ కేసు గురించి కూడా అడగకుండా కేవలం నా వ్యక్తిగత వివరాలను నా వ్యాపారాల గురించి నా కుటుంబ సభ్యుల గురించి నా ఆస్తుల గురించి అడుగుతూ మరి కేవలం నా బయోడేటాను అడుగుతూ మరి ఈడీ వాళ్ళు నాకు నోటీస్ పంపించిన విషయాన్ని కూడా అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే అయితే మరి మొదటి రోజు నాకు ఏ కేసు గురించి సంబంధించి అని కూడా తెలియనప్పుడు మరి నేను వెళ్ళి విచారణకు ఒక లా అబైడింగ్ సిటిజన్గా మళ్ళీ నేను వెళ్ళి విచారణకు వెళ్ళడం జరిగింది మొదటి రోజు ఆరు గంటలు విచారించినప్పటికీ కూడా మరి ఏ కేసు మీద నన్ను పిలిపించిర్రు అనేది చెప్పకుండా కేవలము నా బయోడేటా నా ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ని చూపించి మరి ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ గురించి ఎంక్వైరీ చేసి మరి రెండో రోజు కూడా మళ్ళీ విచారణకు రావాలని పిలవడం జరిగింది రెండో రోజు మరి కేసు వివరాలు చెప్పేంత వరకు మరి నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి డీటెయిల్స్ అని చెప్పినప్పుడు ఒక గంట తర్వాత మరి వాళ్ళు ఇది ఎమ్మెల్యే పోచింగ్ కేసుకి సంబంధించి అని చెప్పడము ఆ కేసు గురించి పూర్తిగా వాళ్ళు విచారణ చేయడం జరిగింది మేము కూడా వాళ్ళ విచారణకి సహకరించి వాళ్ళు అడిగిన ప్రతిదానికి కూడా మరి మేము కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే మరి అది అయిన తర్వాత మరి ఈ కేసుకి ఎటువంటి సంబంధం లేని ఒక వ్యక్తి అభిషేక్ అనే వ్యక్తి అది కూడా तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कौमी दही रोज़गार ज़मानती स्कीम की रिपोर्ट मरकज़ को भेजने से खासिर हैं, जिससे उसकी नीयत ज़ाहिर होती है। बीजेपी पार्टी ऑफिस में रियासती यूनिट के तर्जुमान प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को मुखालिफ किसान ज़ाहिर करने पर तुली है, ताकि किसानों के तई अपने हरधर्म रवैये को छुपा सके। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मस्कुरा स्कीम के तहत मख्तस फंड्स को तेलंगाना हुकूमत ने दूसरे इगराज व मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, जो ऐसे मामले में प्रोटोकॉल की सरी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने दावा किया कि मरकज ने पिछले तीन सालों में इस स्कीम के लिए तकरीबन 3,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। रियासती वजीर टी हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी तौर पर क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है और मुल्क भर में ऐसा करने वाली वाहिद तेलंगाना रियासत है। सिद्दीपेट के एक चर्च में मुनाकिद की गई क्रिसमस तकरीब में केक काटने के बाद उन्होंने वहां पर मौजूद ईसाई बरदरी से खिताब किया। हरीश राव ने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मजाहब और तबकात का यकसां तौर पर एहतराम करती है, और यही वजह है कि दशहरा, रमज़ान और क्रिसमस के मौके पर मुस्तैक अफराद में तहाइफ तकसीम किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि सीएसआई चर्च सिद्दीपेट की 150 साल तकरीब के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत अपना भरपूर ताउन पेश करेगी। इस मौके पर बीआरएस एमएलसी फारूक हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
दुनिया भर में कोरोना केसेस में इजाफे की खबरों के बीच आंध्र प्रदेश में भी चौकसी अख्तियार की जा रही है। शारजा से गुनावरम एयरपोर्ट पहुंचने वाले 140 मुसाफरीन के टेम्परेचर की जांच की जा रही है, जबकि 4 मुसाफिरों के सैंपल्स को विजयवाड़ा के टेस्ट सेंटर रवाना किया गया है। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट पर अमलावरी जारी है, जबकि एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। सीनियर अदाकार चलपति राव का आज इतवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 78 बरस थी। चलपति राव तेलुगु सिनेमा में अपने मिजाहिया और विलन के किरदारों के लिए मारूफ थे और उन्होंने 600 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की थी। राव का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के बालीपारा से था। उनके बेटे रवि बाबू भी टॉलीवुड में एक अदाकार, फिल्मसाज और प्रोड्यूसर हैं। ईसाई बरादरी के त्यौहार क्रिसमस के मौके पर दोनों शहरों के कई गिरजाघरों में खुसूसी दुआया इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जिनमें अहम शख्सियतों ने भी शिरकत की। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा आईपीएस ने अत्तापुर में वाक़ ट्रिनिटी चर्च में मुनक्किदा दुआया इज्तिमा में शिरकत की। वहाँ मौजूद दीगर अफराद ने उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद दी। ప్రదర్శన ద్వారా మన తలలు లేవక లేవనెత్తబోదు సమర్చి ఆయన శాంతిని ప్రవహింపచేసే దేవుడు। జీవితాలు ఎంత అస్థిరంగా ఉన్నా నిన్ను నిలబెట్టే దేవుడు। సంస్కారంలో పాల్గొనడం ఆశీర్వాదకరం। प्रभु मन पाप क्षमापण का परशुद्ध रक्ता साधु क्रिस्मस अनगरक्षना आये प्रभुपड़ा स्थिरपड़ा रोटे द्राक्ष अग्रवाल शिक्षा समिति चार कमान की जानिब से सिग्नोलिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स और पीजी सेंटर की गोल्डन जुबली तकरीब बनवान सोरन उत्सव मनाई गई। इस तकरीब में विस्मी रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक्स फेडरेशन और पी रघुराम सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट ने मेहमानान एजाजी के तौर पर शिरकत की और खिताब किया, जबकि प्रमोद कुमार केडिया प्रेसिडेंट अग्रवाल शिक्षा समिति ने तकरीब की सदारत की। इस तकरीब में गोल्डन जुबली की मुनासिबत से इदारों की कारकर्दगी पर मुश्तमिल एक ब्रोचर की रस्म इजराई भी मेहमानान के हाथों अमल में लाई गई। डॉक्टर सरिता अग्रवाल प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज और राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल कॉरेस्पॉन्डेंट ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया, जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर सीएच दालपदाल ने कॉलेज की रिपोर्ट पेश की। एजाजी सेक्रेटरी सीए नवीन कुमार के अलावा दीगर ने भी तकरीब से खिताब किया। Today's brochure, Swarnotsav. I now call upon Mrs. Neha Agrawal, head of the department. Ramaiya, who was the former judge of High Court of Andhra Pradesh. They published several books on various subjects and contributions are endless. Shri P. Raghuram ji is also serving in the capacity of Honorary Secretary of Charitable Trust. Aaj ke Mukhya Atithi सीनियर एडवोकेट रघुराम जी, कई वक्तों ने बोला सीनियर एडवोकेट तेलंगाना, एक वकील सिर्फ एक कोर्ट तक सीमित नहीं रहता, वो हिंदुस्तान में कहीं पर भी वकालत कर सकता है। टू टुडे वी रिमाइंड्स अवर पास्ट
celebrate the present and enabling and energizing the future. I am very glad to see past and present students, faculty, executive members and well-wishers who have joined us in the celebrations. For SBS College, growing in the splendor of its Golden Jubilee celebration, the past 50 years have been the journey of tremendous progress. I dream it's my pleasure to welcome Sri Ravindra Kumar Agarwal, Vice President, Sri Ramesh Kumar Agarwal, Chairman Trust Board, Dr. Mohan Gupta, Managing Trustee. I welcome you all for today's Swarna Jyoti Utsav, our sister institution. We are also champions in inter-college, inter-university competition, that is national level, and intra-universities, it is at international level, under the physical directorship of late Mr. K.R. Stephen, who has represented the college at national and international level for more than 3 decades. Whom I know personally, perhaps the reason for my presence, more than my qualifications to be here, Sri Ramesh Agarwal ji, who also is known to me earlier, Sri Girish Sanghi ji, whom I know, maybe he has not seen me personally, but I have dealt with several cases where he is on the other side or on this side. So I had such occasion to interact with his name, not personally. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में ईसाई बरादरी ने क्रिसमस त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया। गिरजाघरों में खुसूसी दुआया इज्तिमा। ईसा मसीह की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए मोहब्बत और उख़वत के पयाम को फैलाया जाना चाहिए। गवर्नर और वज़ीरे आला तेलंगाना ने क्रिसमस त्यौहार की आवाम को दी मुबारकबाद। बीजेपी की जानिब से अराकीन असेंबली खरीदने के घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर ईडी की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। बीआरएस रुकन असेंबली रोहित रेड्डी का बयान। रियासत के किसानों के तय अपने हर धर्म रवैये को छुपाने के लिए तेलंगाना हुकूमत मरकज को मुखालिफ किसान हुकूमत बता रही है। रियासती बीजेपी तर्जुमान ने किया दावा। क्रिसमस त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाने वाली तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत। रियासती वजीर हरीश राव का बयान। नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पयाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।